पांच राज्यों के चुनावी मुकाबले के बाद रिजल्ट का इंतजार और बड़ा दिन है आज। बात करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता मीम अफजल साहब। अफजल साहब, आज का जो चुनावी मुकाबला, जिस नजरिए से रिजल्ट पर निगाहें लगी हैं, तो ये काफी महत्वपूर्ण है और कांग्रेस काफी उत्साहित है क्योंकि एग्जिट पोल उसके पक्ष में जाते दिख रहे हैं। सिर्फ एग्जिट पोल की बात नहीं है, और देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि हमने हमेशा एग्जिट पोल को ठीक माना है। एग्जिट पोल ने कहीं पर हमको जीतते हुए दिखाया, कहीं पर हमको हारते हुए भी दिखाया। हमें पूरा यकीन है कि इस चुनाव के अंदर कांग्रेस को बड़ी भारी कामयाबी हासिल होगी। दूसरी अहम बात यह है कि ये जनता का मूड है। जनता आज जो है वो बता रही है कि इस सरकार का जाने के दिन आ गए हैं, उनका मूड बता रहा है। जो राज्यों में चुनाव हुए हैं वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज़्यादा मुखालफत हो रही है, उससे साफ जाहिर होता है। और कुछ राज्य तो, यानी दो राज्य तो ऐसे हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद ही नहीं है, और जिन जगहों पर इनका वजूद है, तीन स्टेट्स के अंदर, वहाँ पर आप देख लीजिए जनता क्या कह रही है। डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी जो लोग आ रहे हैं, ब्लॉक लेवल से भी जो लोग आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि बीजेपी को वोट नहीं मिला है। लेकिन अगर देखें जिस तरीके से ईवीएम को लेकर आप सवाल उठा रहे थे, चुनाव आयोग ने आपकी बात मानी है, क्यों काउंटिंग हो रही है टेबल पर, एक टेबल के बाद दूसरे टेबल पर जाएंगे, यानी लिखित में दिया जाएगा किसको कितने वोटिंग, तो आप मानेंगे कि आपका पक्ष सुना गया है? देखिए, हमारा पक्ष सुना तो जाना ही चाहिए था। हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि ईवीएम पर नजर रखने की जरूरत है। ईवीएम में गड़बड़ है और गड़बड़ पाई गई। इस बार भी आपने देखा कि ईवीएम जो है, ईवीएम की मशीन है 25 किलोमीटर का फासला जो है वो 48 घंटे में तय करती हैं। ये कैसे हो सकता है? इसमें क्या गड़बड़ है? इसकी इंक्वायरी तो थॉरली होना चाहिए। और अगर कांग्रेस जीतती है तो आप कहेंगे कि ईवीएम में कोई खराबी नहीं है? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं। हमारा ये भी कहना नहीं है, हमारा ये दावा नहीं है कि ईवीएम में खराबी है। लेकिन जहां हमको शिकायत मिलेगी, हम उसको नोटिस में लाएंगे और उसके लिए लड़ेंगे। और दूसरी तरफ बात करें इस चुनावी नतीजे का असर केंद्र के उससे जोड़कर देखें, लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखें, तो क्या असर देखते हैं आप? देखिए, आने वाले चुनाव के अंदर यकीनन इसका असर तो पड़ेगा ही, और ये तो हम नहीं कह रहे हैं, पूरा मीडिया कह रहा है, पूरा देश कह रहा है। लेकिन देश के अंदर जो इस वक्त माहौल है बीजेपी के खिलाफ, उससे साफ जाहिर होता है कि 2019 का चुनाव जो है उस पर इसका बहुत नुमाया असर दिखाई देगा। धन्यवाद बात करने के लिए। और चुनावी नतीजे का इंतजार है, लेकिन कांग्रेस काफी उत्साहित है क्योंकि एग्जिट पोल में अलग अलग उसकी जीत के दावे किए जा रहे हैं, कई राज्यों में वो बढ़त बनाते दिख रहे हैं, लिहाजा नतीजे के बाद ही तस्वीर साफ होगी। कैमरामैन विद्या ब्रिक के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।